इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टेंथ क्लास वोर्ड एग्ज़ाम रिलेटेड टू द साइंस रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल यू हैव बिन गिवन अ केमिकल रिएक्शन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड कॉपर वो कह रहे हैं कि अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें मीनिंग ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें मीनिंग अगर हम जिंक सल्फेट और कॉपर को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएँ और जो ये प्रोडक्ट मर रहे हैं जिंक और कॉपर सल्फेट क्या इनको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएं क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है मीनिंग अगर जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है लेकिन क्या जिंक सल्फेट और कॉपर आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन पॉसिबल है बेटा आप अगर एक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर लेकिन अगर हम इस रिएक्शन का रिवर्स करेंगे कॉपर का रिएक्शन करेंगे हम लोग जिंक सल्फेट के साथ सो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है कॉपर कम रिएक्टिव है इसलिए कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा इसलिए नो रिएक्शन विल टेक प्लेस तो आपने ध्यान रखना है कि मोर एक्टिव मेटल ही लेस एक्टिव मेटल को डिसप्लेस करेगी ना कि लेस एक्टिव मेटल मोर एक्टिव मेटल को डिसप्लेस करेगी सो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर व्हेन ए लेस रिएक्टिव मेटल इज एडिड टू ए सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल नो रिएक्शन टेक्स प्लेस हेयर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर प्रोडक्ट फाउंड विल बी जिंक सल्फेट एंड कॉपर बट इन दिस केस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव दैन जिंक नो मेटल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें मैथ साइंस के अदर वीडियो देखने के लिए चैनल एस 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 प्रेपरेशन को विजिट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग